Hello friends, welcome to Navi Education. आज का आपका टॉपिक है व्हाट इज अ सिंपल सेंटेंस सिंपल सेंटेंस क्या होता है आप जानते हैं सेंटेंस क्या होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट गिव्स अ कंप्लीट सेंस यानी कि ऐसा शब्दों का ग्रुप जो आपको कंप्लीट सेंस देता है अब यही सेंटेंस क्या होते हैं थ्री टाइप्स होते हैं सिंपल सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ओके आज हम सिंपल सेंटेंस को एनालाइज करेंगे यानी सिंपल सेंटेंस को समझेंगे कि सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है कितने पार्ट से मिलकर सिंपल सेंटेंस बनता है इट मींस वॉट इज अ सिंपल सेंटेंस आपने सेंटेंस के थ्री टाइप्स पढ़े हैं सिंपल सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आज हम एनालाइज करेंगे कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। ठीक है अब सिंपल सेंटेंस आपको पता है सिंगल क्लॉज होगा हमेशा एक क्लॉज होगी सेंटेंस को दो तीन पार्ट में यूज नहीं किया जाएगा यानी सिंपल सेंटेंस में एक ही क्लॉज होगी एक ही सब्जेक्ट होगा वन सब्जेक्ट एंड वन मेन वर्ब वन फाइनाइट वर्ब होगा और सिंगल क्लॉज में पूरी बात कही जाएगी वो कहलाता है सिंपल सेंटेंस क्योंकि कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में क्या होती, होती है मोर देन वन क्लॉजेज होती हैं बट सिंपल सेंटेंस में आपकी सिंगल क्लॉज होगी एक ही क्लॉज में एक ही सब्जेक्ट सब्जेक्ट और एक ही फाइनेट वर्ब से पूरा सेंटेंस का सेंस क्लियर किया जाता है ठीक है अब जो सेंटेंस होता है वो आपके टू पार्ट्स का होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये आप जानते हैं सेंटेंस के पार्ट्स कितने होते हैं टू होते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ठीक है सब्जेक्ट क्या होता है सेंटेंस का जो डुअर होता है जो काम करने वाला जो करता होता है वो कहलाता है सब्जेक्ट और सेंटेंस का रेस्ट पार्ट किस में आ जाता है प्रेडिकेट में आ जाता है अब हम समझेंगे कि सब्जेक्ट का जो पार्ट है उसमें कितने वर्ड्स यूज हो सकते हैं और प्रेडिकेट कितने वर्ड्स से मिल बन सकता है वन टू थ्री फोर यानी जितने पार्ट्स होंगे उतना ही उसको हम क्लियरली एनालाइज करके आपको समझाएंगे ठीक है? आप जानते हैं कि सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इट सेंटेंस का जो जो होता है, जो करता है, करता काम करने वाला है वो सब्जेक्ट में आता है और रेस्ट पार्ट किस में आता है प्रेडिकेट में आता है ठीक है अब सब्जेक्ट सिंगल वर्ड से भी होता है और मोर देन वन वर्ड भी सब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं ऐसे ही प्रेडिकेट में सिंगल वर्ड भी हो सकता है टू भी हो सकते हैं थ्री वर्ड्स भी फोर वर्ड्स भी हो सकते हैं अब इसी चीज़ को इसी स्ट्रक्चर को सिंपल सेंटेंस के इसी स्ट्रक्चर को हम एनालाइज करेंगे क्लियर करेंगे कॉन्सेप्ट को कि सिंपल सेंटेंस किस किस टाइप का हो सकता है कितने वर्ड्स कौन कौन से वर्ड्स इसमें यूज़ हो सकते हैं ओके अब देखिए हमने इसको इस तरीके से टेबल में आपको शो किया है ताकि आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाए कोई कंफ्यूजन ना रहे इतना आपका सेक्शन है सब्जेक्ट का और यहाँ से यहाँ तक आपका सेक्शन है प्रेडिकेट का ठीक है ये पार्ट सब्जेक्ट का है ये पार्ट प्रेडिकेट का है अब देखिए सब्जेक्ट में क्या है एट्रीब्यूट और सब्जेक्ट वर्ड यानी जो मेन सब्जेक्ट है और उसका एट्रीब्यूट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है एट्रीब्यूट क्या होता है सब्जेक्ट को मॉडिफाई करने के लिए उसको इंडिकेट करने के लिए क्लियर करने के लिए एट्रीब्यूट का यूज़ कभी होता है कभी नहीं भी होता है ठीक है एट्रीब्यूट एक तरीके से एडजेक्टिव का ही काम करता है ठीक अब प्रेडिकेट में आपका क्या क्या आएगा उसमें आपका वर्ब आएगा ऑब्जेक्ट आएगा ऑब्जेक्ट में क्या क्या आएंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएंगे कॉम्प्लीमेंट हो सकता है सेंटेंस में और एडवर्बियल क्वालिफिकेशन यानी कि एडवर्ब भी यूज हो सकता है जो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा होगा ठीक है अब हम देखते हैं पहले फर्स्ट वाला सेंटेंस देखते हैं देखिए फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या हो सकता है सिंपल सेंटेंस का देखिए फर्स्ट में लिखा बर्ड्स बिल्ड नेस्ट सपोज हमारा सेंटेंस है बर्ड्स बिल्ड नेस्ट चिड़िया घोसला बनाती हैं अब इसमें क्या आपका डुअर है बर्ड्स बर्ड्स क्या है मेन सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट वर्ड क्या है मेन बर्ड्स अब इसके पहले कोई भी मॉडिफायर यूज़ नहीं हुआ है देन एट्रीब्यूट इसमें नहीं है ठीक है जो इसको क्लियर करे या, या इसके लिए यूज किया जाए ऐसा कोई एट्रीब्यूट का यूज नहीं हुआ है केवल सीधे सीधे इसमें आपका मेन सब्जेक्ट वर्ड ही यूज़ हो गया है बर्ड्स यानी सब्जेक्ट मेन वर्ड उसके बाद ये आपका हो गया सब्जेक्ट अब है बिल्ड नेस्ट अब बिल्ड क्या है बनाती है बिल्ड वर्ब हो गया एक्शन वर्ड हो गया और नेस्ट क्या है ऑब्जेक्ट क्या बनाती है नेस्ट बनाती है तो नेस्ट क्या है ऑब्जेक्ट है ठीक है और ये क्या है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है मोस्टली थिंग होता है और इनडायरेक्ट आपका ऑब्जेक्ट क्या होता है मोस्टली पर्सन ही होता है ठीक है अब यहां पर क्या बनाती है नेस्ट तो नेस्ट क्या है ऑब्जेक्ट और ये है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें कोई आपका कॉम्प्लीमेंट या कोई एडवर्बिल आपका क्वालिफिकेशन नहीं है यानी कोई आपका एडवर्ब यूज नहीं हुआ है सिंपल लैंग्वेज में समझिए सेकेंड है. है आपका द स्काई इज क्लाउडी ठीक है अब इस सेंटेंस में देखिए मेन सब्जेक्ट क्या है इसमें किसके बारे में बात हो रही है स्काई के बारे में अब स्काई क्या है सब्जेक्ट वर्ड यानी मेन सब्जेक्ट है अब स्काई के लिए हमने क्या यूज किया द द का यूज हुआ है तो द क्या है स्काई को मॉडिफाई कर रहा है इंडिकेट कर रहा है क्लियर कर रहा है क्वालिफाई कर रहा है तो ये द है एट्रीब्यूट द क्या है एट्रीब्यूट है द स्काई में स्काई मेन सब्जेक्ट हेडवर्ड है और द है एट्रीब्यूट इतना क्लियर हो गया अब इज क्या है इज हेल्पिंग वर्ब है मेन वर्ब तो है नहीं इज क्या है हेल्पिंग वर्ब है यानी वर्ब वाले सेक्शन में हमने क्या लिखी इज उसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें कुछ नहीं है ठीक है अब क्लाउडी माने बहुत ही क्लाउडी है अब ये क्लाउडी क्या है कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे वो कहलाता है कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है किसी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताए ठीक है अब ये क्लाउडी क्या बता रहा है स्काई के बारे में बता रहा है स्काई कैसा है बहुत ही क्लाउडी है है ना तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है ये क्या है कॉम्प्लीमेंट यानी स्काई के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है ये word. तो ये वर्ड तो हुआ आपका कॉम्प्लीमेंट और कोई इसमें एडवर्ब का यूज नहीं हुआ है सेकेंड आपका सिंपल सेंटेंस इस तरीके से हो सकता है थर्ड देखिए माय फादर सीम्स वरी अब इसमें देखिए मेन सब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में फादर किसके बारे में बात हो रही है फादर के बारे में फादर क्या है सब्जेक्ट है यानी मेन हैडवर्ड है मेन सब्जेक्ट है अब फादर के लिए हमने क्या यूज किया माई पजेसिव यूज किया है ठीक है तो ये माई क्या है ये एट्रीब्यूट है माई फादर ये हो गया सब्जेक्ट वाला पार्ट अब सीम्स यानी प्रतीत हो रहे हैं दिखाई दे रहे हैं ऐसा उनको देख के लग रहा है यानी सीम्स क्या है आपका वर्ब वर्ब है यानी मेन वर्ब है फाइनाइट वर्ब है तो ये आपका वर्ब सेक्शन में आ गया अब इसमें कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है अब क्या बता रहे हैं वरीड यानी वरीड उनके फादर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि वो कैसे हैं परेशान हैं तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है ये वरीड क्या है कॉम्प्लीमेंट है ठीक है कोई इसमें एडवर्ब का यूज नहीं हुआ है फोर्थ देखिए ही लुक्स हैप्पी अब इस सेंटेंस में ही क्या है प्रोनाउन है नाउन नहीं है प्रोनाउन है लेकिन ही डुअर है मेन सब्जेक्ट कौन है ही है ही माने वह यानी कि मेल पर्सन अब कोई इसमें का यूज नहीं हुआ है ही आपका सब्जेक्ट हो गया ठीक है अब पेडिकेट में क्या है लुक्स वो दिखाई दे रहा है लुक्स क्या हो गया वर्ब हो गया ठीक अब इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और हैप्पी यानी बहुत ही खुश दिखाई दे रहा है तो हैप्पी ही को क्या कर रहा है ही के बारे में बता रहा है कि वो कैसा दिख रहा है हैप्पी तो हैप्पी क्या है कॉम्प्लीमेंट है और कोई इसमें एडवर्ब का यूज नहीं हुआ है यानी इस टाइप का सेंटेंस भी हमारे सिंपल सेंटेंस के अंदर ही आता है अब देखिए फिफ्थ माय फ्रेंड गिफ्टेड मी अ पेन अब ये सेंटेंस कैसे हो रहा है माय फ्रेंड गिफ्टेड मी अ पेन ठीक है अब मी अ पेन ये क्या है दोनों ऑब्जेक्ट है इसलिए हमने ऑब्जेक्ट में ही वन और टू करके लिख दिया मैं आपको समझाती हूँ अभी माई फ्रेंड में अब मेन कौन है इसमें सब्जेक्ट फ्रेंड फ्रेंड के बारे में बात हो रही है ठीक है अब फ्रेंड के लिए क्या यूज हुआ है माई माई क्या है फ्रेंड को क्वालिफाई कर रहा है है ना तो माई है पॉजेसिव एडजेक्टिव और एट्रीब्यूट भी कहलाता है ये यानी माई फ्रेंड के लिए यूज हुआ है तो माई है एट्रीब्यूट इतना पार्ट सब्जेक्ट हो गया अब गिफ्टेड क्या है वर्ब है गिफ्ट दिया गिफ्ट gift किया गिफ्टेड क्या है सेकेंड फॉर्म है ये वर्ब है एक्शन वर्ड है अब मी आ पेन मी माने मुझे एक पेन अब मी क्या है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको दिया मुझे दिया तो मी है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या दिया पेन पेन एक पेंग दिया तो आप है और है मी हुआ आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और आ पेन हुआ आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्योंकि मी क्या है पर्सन किसको दिया मुझे दिया तो ये हुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और क्या चीज दी आप पेन थिंग है तो ये हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्लियर हुआ आपका सेंटेंस इस तरीके से भी सिंपल के रूप में आ सकता है अब नेक्स्ट है आई कंसिडर द मैन ट्रस्ट ठीक है आई कंसिडर मैं समझता हूँ द मैन उस आदमी को विश्वास के योग्य तो आई क्या है डुअर है कौन समझ रहा है आई यानी मैं तो आई हुआ आपका सब्जेक्ट वर्ड मेन हेडवर्ड हुआ सब्जेक्ट है और मा इसमें आपका कोई भी आई के पहले कोई भी एट्रीब्यूट यूज नहीं हुआ है इसलिए आपका कोई एट्रीब्यूट है ही नहीं इसमें ठीक है सीएसए आपका आई प्रोनाउन है और सब्जेक्ट है इतना क्लियर हो गया कंसीडर माने मैं देख रहा हूँ समझ रहा हूँ तो कंसीडर हो गया वर्ब मेन वर्ब हो गया ठीक है अब किसको द मैन किसको समझ रहा हूं देख रहा हूं मैन को तो मैन हुआ आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देन आपका है ट्रस्टवर्दी ट्रस्टवर्दी ट्रस्ट मीन क्या होता है विश्वास के योग्य ठीक है विश्वास करने लायक है ना तो ये किसके लिए यूज हुआ है मैन के लिए यूज हुआ है मैं समझ रहा हूं उस आदमी को विश्वास के योग्य है ना तो ये ट्रस्टवर्दी क्या है ये मैन के लिए यूज हुआ है मैन को समझ रहा हूं विश्वास कर, विश्वास करने लायक ठीक है तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट मैन के लिए यूज हुआ है तो ये क्या है कॉम्प्लीमेंट है ये और इसमें कोई एडवर्ब का यूज नहीं हुआ है आई कंसिडर द मैन ट्रस्टवर्दी एक आपका स्ट्रक्चर सिंपल सेंटेंस का ऐसे भी हो सकता है नेक्स्ट देखिए द फ्लेम्स स्प्रेड एवरीवेयर आप देखिए द फ्लेम्स फ्लेम्स माने लपटे आग की लपटे ठीक है फायर आग है ना तो फ्लेम्स क्या है आपका मेन सब्जेक्ट वर्ड हेड वर्ड है अब फ्लेम्स के लिए क्या यूज हुआ है द द क्या हो गया एट्रीब्यूट हो गया आर्टिकल तो है ही और ये द फ्लेम्स के लिए यूज हुआ है तो द हुआ एट्रीब्यूट ये हो गया आपका सब्जेक्ट पार्ट स्प्रेड माने फैल रही हैं है ना तो स्प्रेड क्या है आपका स्प्रेड माने फैलना फैल रही है चारों तरफ आग फैल रही है तो स्प्रेड हो गया आपका वर्ब ठीक है अब इसमें आप कोई ऑब्जेक्ट यूज नहीं हुआ है कोई कॉम्प्लीमेंट यूज नहीं हुआ है केवल आपका एडवर्ब यूज हुआ है एवरीवेयर हर जगह यानी एवरीवेयर एडवर्ब जो है जो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है फैल रही है आग की लपटे तो कहाँ हर जगह एवरीवेयर तो एवरीवेयर हो गया एडवर्ब ठीक है ये आपका हो गया नेक्स्ट सेंटेंस नेक्स्ट देखिए आई रिकोगनाइज हिम ऐट वंश मैंने उसको पहचान लिया तुरंत एट वंस उसी समय ठीक है तुरंत पहचान लिया तो आई सब्जेक्ट हो गया कोई आपका एट्रीब्यूट यूज नहीं हुआ है रिकोग्नाइज पहचान लिया सेकेंड सेकेंड फॉर्म है यह आपका वर्ब हो गया देन आपका किसको पहचाना हिम किसको पहचाना हिम तो हिम आपका क्या है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये पर्सन है पहचाना किसको हिम माने उसको ठीक है अब इसमें आपको आपका कॉम्प्लीमेंट यूज नहीं हुआ माने उसी समय जस्ट उसी समय तो एट व्याटवर्ब ऑफ टाइम शो कर रहा है ठीक है तो ये क्या हो गया आपका एडवर्ब हो गया ठीक नेक्स्ट देखिए आई कैन स्पीक फ्रेंच फ्लुएंटली मैं बोल सकता हूं फ्रेंच फ्लुएंटली यानी बहुत स्पीड में फ्लुएंटली मैं अच्छे से बोल सकता हूँ फ्रेंच को तो इसमें आई क्या है आपका सब्जेक्ट है ठीक है एट्रीब्यूट यूज नहीं हुआ है कैन स्पीक में कैन हेल्पिंग वर्व है स्पीक मेन वर्व है कैन आपका क्या है हेल्पिंग वर्व है स्पीक क्या है मेन वर्व या फाइनेट वर्व है तो ये दोनों पार्ट आपके वर्ब के अंदर आ गए आप क्या बोल सकता हूँ फ्रेंच फ्रेंच आपका है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या बोल सकता हूँ फ्रेंच तो फ्रेंच हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसके बाद आपका कॉम्प्लीमेंट कोई नहीं है फ्लुएंटली यानी बड़ा स्पीड से फ्लुएंसी से मैं फ्रेंच बोल सकता हूं तो ये क्या शो कर रहा है मैनर बोलने का तरीका तो फ्लुएंटली हो गया एडवर्व ऑफ मैनर अब नेक्स्ट एंड लास्ट देखिए द चिल्ड्रन आर शाउटिंग लाउडली बच्चे चिल्ला रहे हैं लाउडली बहुत जोरों से अब चिल्ड्रन आपका मेन हेडवर्ड है चिल्ड्रन क्या है मेन हेडवर्ड है ठीक है अब इसके पहले द का यूज हुआ है दा आर्टिकल है और द आपका क्या है एट्रीब्यूट जो इस सब्जेक्ट को क्वालिफाई करने के लिए यूज किया गया इंडिकेट करने के लिए यूज किया गया है द चिल्ड्रन ठीक है तो द क्या हुआ आपका एट्रीब्यूट चिल्ड्रन हुआ सब्जेक्ट पार्ट नेक्स्ट आर शाउटिंग आर आपका क्या है हेल्पिंग वर्ब है शाउटिंग क्या है मेन वर्ब है फाइनेट वर्ब है तो ये आपका आ गया वर्ब सेक्शन में और इसमें कोई आपका ऑब्जेक्ट नहीं है कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है और चिल्ला कैसे रहे हैं लाउडली बहुत जोरों से तेजी से तो ये भी मैनर को शो कर रहा है उनके चिल्लाने का शाउटिंग का मैनर शो कर रहा है देन ये भी हुआ आपका एडवर्ब ऑफ दिस इज द एनालिस ऑफ अ सिंपल सेंटेंस एक सिंपल सेंटेंस कैसे कैसे आपके रूप में आ सकता है आपके एग्जाम में आपके बुक्स में आपके चैप्टर में तो सिंपल सेंटेंस को मैंने यहाँ पर एनालाइज किया केवल इतने ही टाइप्स नहीं होते हैं सिंपल सेंटेंस के और भी टाइप्स होते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी कि सिंपल सेंटेंस और किन किन पार्ट से मिलकर बन सकता है ये आपके बहुत ही सिंपल ईजी पार्ट्स थे कि सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये दो तो आप जानते थे लेकिन इसके अंदर क्या क्या होते हैं कौन कौन से पार्ट होते हैं आज वो भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा अब मैं इसके और टाइप सिंपल सेंटेंस और किन किन टाइप से बनता है वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी सो प्लीज कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग बाय बाय